दोस्तों राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आरटीए की फॉर्म की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में जितने भी बीपीएल कार्ड धारक हैं वो अपने बच्चों का नर्सरी से लेकर क्लास फर्स्ट तक का एडमिशन फ्री करवा सकेंगे किसी भी प्राइवेट स्कूल में। अगर आप शहरी निवासी हैं तो शहर के आसपास के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, अच्छे स्कूल हैं, उनमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकेंगे। और अगर आप ग्रामीण हैं तब भी आप अपने नज़दीकी स्कूलों में फ्री एडमिशन करवा सकोगे। यहाँ पर अगर एक बार एडमिशन हो जाता है तो आरटीए की प्रक्रिया के अंतर्गत लास्ट तक एडमिशन फ्री रहेगा। यहाँ पर किसी भी प्राइवेट स्कूल की आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपको आवेदन करना है, क्या कैसे क्या पूरी प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों मेरा अनुस्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्टिंग में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के बेहतरीन वीडियो लेकर आए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है आरटीई, मतलब कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो फॉर्म भरे जा रहे हैं नर्सरी से लेकर क्लास फर्स्ट तक के फर्स्ट तक की एडमिशन की प्रक्रिया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको मोबाइल में प्रोसेस समझा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल उठा लेना है, मोबाइल में सिंपली आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही गूगल ओपन करोगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 12 जून 2021 से फॉर्म डालने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर कब तक फॉर्म डाले जाएंगे, क्या कैसी क्या करेक्शन की डेट रहेगी, वो अभी आधिकारिक रूप से डेट तय नहीं की गई है। इसीलिए यहाँ पर अभी क्लियर कहा जा सकता कि इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, लेकिन इसके फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे 12 जून से। तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले तो अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली एजुकेशन पोर्टल टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहां पर एजुकेशन पोर्टल लिखकर टाइप करोगे तो देखिए यहां पर सबसे पहली लिंक दी रहेगी मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0। तो उसी के नीचे आपको यहां पर आरटीई पोर्टल लिखा दिया गया, सिंपली यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस नहीं आता है तो आपको ऊपर की तरफ सेटिंग में जाकर यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देना है, राइट टिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में कंप्यूटर की तरह स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आप देखिए जैसे ही यहाँ पर आप जूम करोगे तो यहाँ पर कुछ लिंकें दिखाई देंगी, जैसे कि मान्यता आवेदन हेतु निर्देश देखें। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगा, वहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर मान्यता आवेदन हेतु प्रक्रिया का मैनुअल देखें, तो यहाँ पर आप मैनुअल देख सकते हो प्रक्रिया का। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क के बिना एम शिक्षा मित्र ऐप्स, यहाँ पर एक ऐप्स भी लॉन्च किया गया है जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद चौथी लिंक दी जाती है मान्यता आवेदन की स्थिति का विवरण। अगर आपने आवेदन किया है और उसका विवरण देखना चाहते हो तो इस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पर उस फॉर्म का विवरण देख सकोगे। इसके बाद देखिए आपको नीचे की तरफ एक लिंक दिखती है न्यू करके, यहाँ पर शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत बस 2021-22 में अशासकीय स्कूलों में प्रवेश लिखा दिखेगा। यहाँ पर सिंपली देखिए उसी के नीचे आपको रेड कलर से एक लिंक मिलेगी ऑनलाइन आवेदन हेतु, ऑनलाइन आवेदन एवं प्रक्रिया हेतु क्लिक करने। तो सिंपली आपको इस रेड लिंक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लिंक दोबारा से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई क्या है, तो यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हो आरटीई क्या होता है, राइट टू एजुकेशन, किस तरीके की यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक यानी कि गरीबी रेखा में आने वाले व्यक्ति ही यहाँ पर अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा सकोगे नर्सरी से लेकर क्लास फर्स्ट तक का। इसके बाद यहाँ पर आरटीई एडमिशन प्रक्रिया, आरटीई एडमिशन पात्रता जाने, समग्र आईडी, सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न, यहाँ पर एक एक करके 4-5 पीडीएफ फाइल की लिंक आपको मिलेंगी, जो भी डिटेल्स आप देखना चाहो देख सकते हो। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे की तरफ आओगे, आवेदन प्रारूप आवश्यक दस्तावेज एवं प्रक्रिया, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे इस लिंक पर, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड होने के लिए सामने आ जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा तो ये ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये जो आपका पीडीएफ रहेगा, सिंपली इस पीडीएफ को आपको भर लेना है, जितनी भी डिटेल्स सारी डिटेल्स इस पीडीएफ में फिलअप कर देनी है। इसके बाद जो भी आपका प्रीवियस स्कूल है उस स्कूल से आपको सील सिग्नेचर करवा लेना है, और किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफे या फिर एमपी ऑनलाइन की दुकान पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप करवा सकते हो।
लेकिन अगर आप घर पर ही करना चाहते हो तो मैं आपको आगे की प्रक्रिया बता देता हूँ। देखिए नीचे की तरफ आपको आवेदन पंजीयन लिखा दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकोगे। देखिए यहाँ पर डिटेल्स आने लगी है, जैसे कि समग्र आईडी डालें, आधार नंबर डालें, परिवार आईडी डालें, यहाँ पर शहर चुने, जिला चुने, निगम चुने, पंचायत चुने, ग्राम, वार्ड, मोहल्ला, मकान नंबर, ओटीपी दर्ज करें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें और यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स डालें, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ। जैसे ही सारी डिटेल्स फ्लिप कर लेते हो तो नीचे की तरफ आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, जिसे क्लिक करने के बाद आप अपने फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां पर आरटीई की फॉर्म की प्रक्रिया आपको समझ आ चुकी होगी, लेकिन यहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपसे मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि यहां पर एक बार अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा आप फॉर्म नहीं भर सकोगे। इसीलिए किसी भी साइबर कैफे या फिर ऑनलाइन की शॉप पर जाकर ही इस फॉर्म के लिए आवेदन करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दिए गए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।